हेलो फ्रेंड्स सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर एट जहां पे हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन वन के सेवन क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे यस और नो क्लस ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे सो एट क्वेश्चन है एक्स इंटू स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वास डी एक्स अब यहां पे अकॉर्डिंग टू ली वाला रूल हम क्या करेंगे क्लास ये साइन फंक्शन है ये अल्जीब्रिक फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये अल्जीब्रिक फंक्शन है यस और नो बट साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन पता है क्या नहीं पता है सो so, हम साइन स्क्वायर एक्स को कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं सो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने मेरे साथ सीखा होगा तो मैंने आपको बोल दिया था कि साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे टर्म आएंगे तब हमें कॉस टू एक्स का फॉर्मूला यूज करना चाहिए देखो क्या बोलते हैं कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स ओके नो तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स और ये टू भी यहाँ पे आएगा तो अपॉन में आ जाएगा ना सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अब क्वेश्चन देखो ये वन बाई टू मैं बाहर निकाल देता हूँ सो एक्स इंटू वन माइनस कॉस टू एक्स सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखो क्लास सेपरेट ले लूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस टू एक्स डी एक्स अब एक्स का तो इंटीग्रेशन मेरे हर एक बच्चे को पता है एक्स स्क्वायर बाय टू सो वन बाय टू एक्स का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस अब यहाँ पे यू वी रूल यू वी बिकॉज अल्जिब्रिक पहले आता है बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है ये सोर्नो क्लस सो और नो so, क्या है फॉर्मूला यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी cos 2x का इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव आता है cos तो cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन तो इसका आंसर क्या आ जाएगा sin 2x बट दिस इज नॉट x तो अपॉन इट्स डेरिवेटिव होता है सो so, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 2x बट दिस इज नॉट x अपॉन इट्स डेरिवेटिव दैट इज व्हाट 2 सो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है वन और इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन टू एक्स अपॉन टू उसका इंटीग्रेशन निकालना है यस और नो क्लास इज दैट क्लियर टू यू सो ये आपको समझना है बहुत ही ब्रैकेट्स आ रहे हैं बहुत सारे माइनस साइन भी इन्वॉल्व है तो प्यार से करो माइनस माइनस प्लस हो सकता है बहुत जगह पे तो ये वन बाई टू इन टू एक्स स्क्वायर बाई टू वैसे ही रहेगा यहां पे x बाय टू टाइम्स साइन टू एक्स वैसे ही रहेगा ये माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस वन बाई टू बाहर लेता हूं साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा किस चीज का डेरिवेटिव साइन होता है माइनस कॉस का तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर माइनस तो ये माइनस हो जाएगा कॉस टू एक्स बट दिस इज नॉट एक्स अपॉन इट्स डेरिवेटिव इज दैट क्लियर टू यू और प्लस सी सो so, ब्रैकेट को ओपन करो ये जाओ एंड so, ये ये को इन दिस फॉर्मेट में हमें रिप्रेजेंट करना है कॉस स्क्र एक्स होगा तो भी वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू के टर्म्स में लिखेंगे तो so, ये माइंड सेट होने के लिए मैंने जानबूझ के ये प्रॉब्लम लिया है सो so, होपफुली मेरे हर एक बच्चे का इस टर्म के लिए साइंस स्क्वायर एक्स या कॉस् स्क्र एक्स ऐसी टर्म दिखेगी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में तो क्या करना है वो अच्छी तरह से समझाए क्लास यस और नो इनफैक्ट सिंपल साइंस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने इंटीग्रेशन के 3.1 में देखा था तो भी हमने इसी फॉर्मेट में लिख के बाद में इंटीग्रेशन निकाला था बिकॉज साइंस स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता नहीं है इज दैट क्लियर टू यू सो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों का ये वन टू सेवन तक तो हो चुका था एट भी हो चुका है अब ये टेंथ क्वेश्चन है ना बहुत ही बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है तो हम थोड़ा शांति से हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देख लेंगे जिससे कुछ कन्फ्यूजन ना हो ओके नो स्टेप्स बहुत बड़े बड़े होने वाले इसीलिए मैंने थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा बना दी है ओके okay, देखो क्लास क्या है क्वेश्चन टेंथ वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन e रेस्ट टू टू एक्स कॉस थ्री एक्स डीएक्स अब वो सबसे लास्ट है तो ये u जैसा एक्ट करेगा और ये v जैसा फॉर्मूला क्या है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टू एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u cos 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन थ्री एक्स बट दिस इज नॉट इंटू इट्स डेरीवेटिव सो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो so, यहां पे प्लस थ्री कर रहा हूं और ये इंटू इट्स डेरीवेटिव थ्री आ जाएगा बराबर है सो डेरिवेटिव ऑफ u प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन निकालना ही है यस so, और नो no क्लस तो थोड़ा शांति से करेंगे हाँ क्लस कोई घाई नहीं करना है हमें पता है दिस इज व्हाट आई इज इक्वल टू गिवन है तो यहाँ पे भी आई इज इक्वल टू ये आंसर आ जाएगा अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव नॉर्मली क्या आता है ई रेस टू एक्स ही बट यहाँ पे ई रेस टू टू एक्स दिया है तो आंसर क्या आ जाएगा कॉस थ्री एक्स और यहाँ पे ई रेस टू टू एक्स बट दिस इज नॉट एक्स सो अपॉन इट्स डेरीवेटिव बराबर है बिकॉज ये लीनियर है तो लीनियर है तो हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं अपॉन इट्स डेरीवेटिव वाला यहां पे क्या आ जाएगा थ्री साइन थ्री एक्स ई रेस्ट टू टू एक्स का ई रेस्ट टू टू एक्स अपॉन इट्स डेरीवेटिव बराबर है तो यहां से मैं थ्री बाई टू को बाहर निकाल दू चलेगा ओके अब i इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है अब यहां पे आप प्यार से देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ये फिर से यू वी रूल होने वाला है यस yes और no तो ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा e रेस टू टू एक्स अपॉन टू कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री टू अब यहां पे uv अप्लाई करना है फिर से यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू टू एक्स इज ई रेस्ट टू टू एक्स अपॉन टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव साइन थ्री एक्स का क्या आ जाएगा थ्री टाइम्स कॉस थ्री एक्स इंटू डेरी इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब क्या आ जाएगा ई रेस्ट टू टू एक्स अपॉन टू बराबर है देखो क्लास प्यार से देखो थ्री बाय टू अगर हम बाहर लिख देंगे तो ये टर्म आपको कुछ जानी पहचानी सी लग रही है क्लास जो गिवन क्वेश्चन था वही टर्म यहाँ पे मिल रही है सो दैट इज व्हाट अवर आय तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स अपॉन टू कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री बाय टू अंदर लेके जा रहा हूं तो क्या मिल जाएगा ई रेस टू टू एक्स ये टू इंटू टू मतलब फोर बन जाएगा साइन थ्री एक्स और ये माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन बाय फोर टाइम्स ये क्या है आई है और प्लस सी बराबर है अब ये माइनस टम यहाँ पे आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी सो वन प्लस नाइन बाय फोर टाइम्स आई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू टू एक्स अपॉन टू कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री बाय फोर ई रेस टू टू एक्स साइन थ्री एक्स ये क्या हो जाएगा फोर प्लस नाइन थर्टीन बाय फोर हो जाएगा तो उसको यहां पे लेके आएंगे तो आई इज इक्वल टू अब ये फोर यहां पे गया तो टू टू जा हो जाएगा टू बाय थर्टीन ई रेस टू टू एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस फोर फोर गेट कैंसल तो बचेगा क्या थ्री अपॉन थर्टीन ए रेस टू टू एक्स साइन थ्री एक्स प्लस सी तो देखो क्लास ये सम है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बट यहां पे ये जो आय मिलने वाला है ना वापस वो अच्छी तरह से माइंड सेट होना चाहिए कि कॉस थ्री एक्स का एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो साइन थ्री एक्स मिलेगा फिर से एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो फिर से कॉस्थ्री एक्सी मिलने वाला है मतलब फिर से आई टर्म्स में मिलने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये माइनस इन टू प्लस फिर से माइनस मिलने वाला है बहुत बार ये प्लस माइनस ब्रैकेट प्रॉपर मैनर में मेरे बच्चे देते नहीं तो उनका यहाँ पे प्लस आ जाता है और यहाँ पे वो लेके आएंगे तब तो माइनस होगा और वो सोचते कि ये नेगेटिव कैसे आया बहुत पेपर मैंने चेक किए वहां पे ये नेगेटिव आंसर निकाल देता है क्लास इज दैट क्लियर टू यू तो ये प्लस और माइनस में हमें अटकना नहीं है इतना प्यार से माइंड सेट कर लो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे एंड बहुत बार ये तीन या चार मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा हुआ है. अब हर दो साल में ये क्वेश्चन तो देखिय देखोगे ही इतना कॉमन क्वेश्चन है इज दैट क्लियर टू यू मेरे हर एक बच्चे को ये समझा है पक्का वीडियो को पॉज करके खुद से आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन का है तो फर्स्ट टाइम हम इनवर्स फंक्शन के साथ डील करेंगे एक बार टैन इनवर्स के साथ किया था बट इस बार हम साइन इनवर्स के साथ कर रहे हैं तो टैन इनवर्स बहुत सिंपल हो गया था साइन इनवर्स को एक बार चेक कर लेते सच में हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है सो so क्वेश्चन देखो क्या है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन नंबर इलेवन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स सो यू कौन सा वी कौन सा इनवर्स फंक्शन है तो उसे हम यू बोलेंगे एंड दिस इज वॉट अवर वी इज दैट क्लियर टू यू सो यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है क्लास वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स क्या होगा एक्स टू चलेगा मैंने ऐसे लिखा तो होपफुली कोई इशू नहीं है अब हम कैसे डील करेंगे यह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास ये माइनस साइन है ना मैं यहां पे प्लस लिख के अंदर माइनस लेके जाता हूं और एक छोटी सी टेक्निक यूज कर देता हूं यहां पे देखो वन माइनस एक्स स्क् माइनस एक्स है तो प्लस वन कर देता हूं और माइनस वन कर देता हूं इज दैट क्लियर टू यू तो अब हमें कैसे दिखेगा देखो आंसर साइन इनवर्स एक्स इंटू ये स्क्वायर बाय टू ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा वन बाई टू इंटीग्रेशन में मैंने अगर ये सेपरेट कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्र अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क् मतलब क्या बचा वन माइनस ही बचा ना यस और नो क्लास बरोबर है माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर तो सेपरेट इंटीग्रेशन ले लूंगा यस और नो क्लास अब देखो कितना सिंपल हो चुका है क्वेश्चन हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्लास बिकॉज हमें कुछ फॉर्मूलाज पहले डिराइव करने होंगे यूजिंग यू वी रूल कौन से फॉर्मूलाज रूट ऑफ वन माइनस एक्स या ए स्क्वाइनस एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर एंड रूट ऑफ एक्सक्वायर प्लस ए स्क्वायर ये तीन फॉर्मूले पहले हमें डिराइव करने होंगे देन ओनली हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सो एट दिस मोमेंट मैं इलेवेंथ क्वेश्चन स्कीप कर रहा हूँ डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हमें सबसे पहले ये फॉर्मूलाज डिराइव करना है एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ओके okay, नो no? सो so, थोड़ा सा पेशेंस रखो क्लास एक लेक्चर का आपको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा नेक्स्ट so क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ से टाइप ही चेंज हो रहा है क्वेश्चन देखो क्या है ऑफ अपॉन इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो ये ना सब्सटीड्यूशन मेथड में जाएगा मतलब क्या देखो क्लास वन अपॉन एक्स अवेलेबल है एंड वी नो दैट वन अपनिक्स किस चीज का डेरिवेटिव होता है लॉगिक्स का सो so, मैं यहाँ पे सब्सिड्यूशन क्या करूंगा लॉग एक्स इज इक्वल टू टी विच इम्प्लाइज वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सो ये वन अपॉन एक्स डी एक्स अवेलेबल है जो मुझे डी टी दे देगा येस और नो सो अब देखो यही क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स की जगह पे टी और ये डी टी और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालना है हमें पता है डायरेक्ट लॉक का फॉर्मूला नहीं होता तो हम क्या करते वन इंटू लॉक टी बोल देंगे यस और नो तो यहाँ पे इसको यू इसको वी बिकॉज वन का इंटीग्रेशन हमें पता है सो so, अभी यू वी रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है टी आ जाएगा यस और नो क्लास माइनस इंटीग्रेशन हो गया u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू लॉक टी का डेरिवेटिव वन बाई टी और वन का इंटीग्रेशन टी 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 गेट कैंसल यस और नो तो आंसर क्या बचा टी इंटू लॉक टी माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या आता है टी प्लस सी अब टी को री सब्सटी कर देंगे टी इज इक्वल टू लॉग एक्स तो मुझे क्या मिल जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी हमारी टेक्निक तो वही रहती है ना कि किस चीज का डेरिवेटिव अवेलेबल है उस चीज को टी एज्यूम करो यस और नो क्लास सो सिमिलर फैशन यहाँ पे भी हमने सब्सिड्यूशन मेथड को अप्लाई किया हुआ है अब जैसे सब्सटिड्यूशन मेथड हमने कर लिया वैसे एक और तरीका है दैट इज वॉट देखो क्लास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हमें यूज करने होंगे सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देख लो x इंटू साइन टू एक्स कॉस फाइव एक्स डी एक्स सो सबसे पहले हमें टू टाइम्स साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए टू टाइम्स साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है क्लास साइन कॉस होता है तो हम क्या बोलेंगे ऑफ़ ऑफ़ एंड नहीं एकदम रॉन्ग तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कैसे निकालना है क्या निकालना है ट्रिग्नोमेट्री का मेरा पहले लेक्चर देखो क्लास मैंने ऐसा कुछ भी ब्लैंक होंगे मेरे बच्चे तो भी कैसे फॉर्मूला रिट्रीव करना है वो मैंने बता दिया था मैंने क्या बताया था क्लास साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बरबर है और साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अब मुझे टू टाइम साइन है कॉस्ट भी चाहिए तो दोनों को ऐड करना होगा तो ये कैंसल हो जाएगा सो so, मेरा आंसर क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी दैट्स इट क्या मैंने लिखा था याद है क्या क्लास ऐसे मेरे बच्चे लिखते हैं कभी कभी जिनको रट्टा मार के ये सब आता है ना वो ब्लैंक हो जाते हैं जो मेरे स्टूडेंट है वो आराम से ऐसे लिख के डिराइव कर सकते हैं इज दैट क्लियर टू यू जान के मैंने ये प्रैक्टिकल सिचुएशन बताई कि ऐसे ब्लैंक होते हैं मेरे बच्चे तो कैसे रिट्रीव करना है वो भी समझा पक्का ओके तो इस फॉर्मूला को हम अपने क्वेश्चन में यूटिलाइज करते हैं देखो यहां पे टू टाइम्स यहां पे टू नहीं है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू से डिवाइड कर देंगे चल जाएगा अब टू टाइम्स साइन है कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? तो वो यहाँ पे लिख देंगे क्या है साइन ऑफ ए प्लस बी टू एक्स प्लस फाइव एक्सिस सेवन एक्स प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब टू एक्स माइनस फाइव एक्सिस माइनस थ्री एक्स साइन माइनस थीटा को मैं माइनस साइन थीटा भी बोल सकता हूँ यस और नो क्लास अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाई टू टाइम्स एक्स इंटू साइन सेवन एक्स माइनस x इंटू साइन थ्री एक्स सेपरेट यू वी रूल अप्लाई कर सकते हो मेरे बच्चों सेपरेट u इंटू वी वाला रूल अप्लाई करना है u क्या होगा अल्जिब्रिक फंक्शन पहले बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है तो and u x होगा एंड v साइन सेवन एक्स और यहां पे यू एक्स साइन थ्री एक्स वी होगा दैट्स इट u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u टू इंटीग्रेशन ऑफ वी लिख दो फॉर्मूला यूटिलाइज कर लो सिर्फ सब कुछ दो बार करना होगा एंड यू गेट यूर आंसर देखो यार मैंने यहां तक ही कर दिया क्यों? बिकॉज़ मेरे बच्चों को आगे की स्टेप आराम से आ जाएगी ये मुझे कॉन्फिडेंस है बिकॉज हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है ये और नो क्लास पक्का क्लियर है ओके okay. नेक्स्ट क्या है क्लास लास्ट वाला ट्वेंटी फर्स्ट ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पे सब्सटिड्यूशन क्या करना है वही नहीं समझता बहुत सारे बच्चों को तो मैं अभी सिर्फ सब्सटिड्यूशन क्या करना है उतना डिस्कस कर देता हूँ एंड आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से पहले ट्राई करो एंड जो भी डाउट्स है वो मुझे बताओ मैं वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देता हूँ देखो क्लास ट्वेंटी क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब रूट ऑफ एक्स डी एक्स अब यहाँ पे ये यह जो क्यूब रूट ऑफ एक्स है ना इसको मैंने अगर टी एज्यूम कर लिया तो क्यूबिंग बोथ साइड ले लूंगा तो एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब आ जाएगा सो डी एक्स इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा यस और नो क्लस तो ये सब कुछ यहाँ पे पुट कर देता हूं तो व्हाट वी गेट कॉस टी और dx की जगह पे थ्री टी स्क्वेर डी तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो इनमें से कोई तो एक u होगा कोई तो एक वी होगा ये क्या अल्जिब्रिक है ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक तो इसको हम यू बोलेंगे इसको हम वी बोल देंगे दैट्स इट सो यू वी रूल अप्लाई करो एंड यू गेट यूर आंसर बट याद रखो यहां पे आपको दो बार यू वी अप्लाई करना होगा बिकॉज यू का एक बार डेरिवेटिव निकालोगे तो भी टू टी टी के टर्म्स में आएगा यस तो ये दो बार टू टाइम्स यू वी रूल अप्लाई करना होगा तो ये याद रख के माइंड सेट करके इस प्रॉब्लम को प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो सो इन दिस फैशन मैंने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर वन है उसमें टोटल 21 वन क्वेश्चन है तो उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं तो यहां पे मैं लेक्चर को स्टॉप करता हूं बट मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अभी के अभी ट्राई करोगे एंड विद इन वन आवर में या 1.5 पॉइंट आवर में मुझको कमेंट करोगे YouTube चैनल पे जो कमेंट सेक्शन है वीडियो के नीचे वहाँ पे कमेंट कर दो कि कौन से क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं वो सारे के सारे मैं कल के लेक्चर में ऐड कर दूंगा इज दैट क्लियर टू यू सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय